सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो हेलो सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। जिस बात का डर था वही हुआ, क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के मन में अब ये कन्फ्यूजन होगी कि सर डेट शीट चेंज तो नहीं हुई है। यार मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि क्लास 10th की जो डेट शीट है वो एकदम सेम है, CBSE क्लास 10th की डेट शीट एकदम सेम है, लेकिन जो क्लास 12th की डेट शीट है उसमें कुछ चेंज हुआ है। कुछ भी इतना चेंज हुआ है कि क्लास 12th की जो डेट शीट है उसके अंदर जो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 27 मार्च को होगा। बस ये चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। अब क्लास 10th वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी डेट शीट भी चेंज होगी कैसे? नहीं होगी। ये कारण था कि कुछ मेंस के एग्ज़ाम आ गए थे बीच में और मतलब कुछ एग्ज़ाम्स आ गए थे जिस वजह से 40,000 प्लस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए CBSE ने इस डेट को चेंज किया है। अब कोई डेट शीट नहीं चेंज होगी, ये सिर्फ होनी थी जो हो गई। तो क्लास 10th वाले बच्चों को बोलूँगा डेट शीट कोई चेंज नहीं होगी और क्लास 12th वाले बच्चों को भी बोलूँगा कि सिर्फ आपकी एक एग्ज़ाम की डेट चेंज हुई है, बाकी सारी सेम है। पैनिक मत करो और कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। अगर कन्फ्यूजन हो रही तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैसेज आपको नंबर आपके पास में अवेलेबल है ही। और अगर कोई भी वीडियो में डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो। फिर मुलाकात करेगी दूसरी वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बातें करेगी नहीं, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।